नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उपस्थित हूँ। कर्क राशि का मासिक राशिफल नवंबर 2019 को लेकर के क्या विशेष रहेगा कर्क राशि के जातकों का इस नवंबर के माह में? कैसा आपका स्वास्थ्य रहने वाला है, किस प्रकार के आपकी आय रहेगी और कार्य क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि नवंबर के माह में कौन सी वह तिथियाँ होंगी जो तिथियाँ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकती हैं और कौन सी वह तिथियाँ होंगी जो आपको नुकसान पहुंचाने का अथवा हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, जिनमें आपको सतर्क रह करके अपने कार्य करने चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं यह राशि फल प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं यह बता दूं कि यह राशि फल चंद्र कुंडली पर आधारित है, अर्थात इसको लग्न कुंडली से न जोड़ें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा चार अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो आपकी निश्चित रूप से कर्क राशि बनेगी और यह राशि फल आपके लिए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम एक नज़र डालेंगे कर्क राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था पर। इस नवंबर के माह में, पूरे नवंबर में कैसे रहेगी आपकी ग्रह गोचर व्यवस्था, तो आइए प्रारंभ करें। आपके लिए मंगल कन्या राशि में तृतीय स्थान पर स्थित रहने वाले हैं, तो वहीं सूर्य और बुध तुला राशि में चतुर्थ स्थान में हैं। शुक्र वृश्चिक राशिगत और गुरु पंचम स्थान में, शुक्र और गुरु की युति बनी हुई है वृश्चिक राशि में। वहीं शनि और केतु धनु राशि में छठे स्थान में स्थित रहने वाले हैं, राहु द्वादश स्थान में स्थित रहने वाला है। चंद्रमा की बात बाद में करेंगे जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि 5 नवंबर प्रातः 5:16 पर देव गुरु बृहस्पति अपने राशि परिवर्तन करेंगे और वह जो कि अभी तक आपके लिए पंचम स्थान वृश्चिक राशि में स्थित थे, वह वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि में आ जाएंगे। तो वहीं 10 नवंबर को मंगल भी अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं और मंगल जो कि अभी तक तृतीय स्थान कन्या राशि में स्थित थे, वह अब तुला राशि में आ जाएंगे, चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध के साथ युति बनाएंगे। वहीं 16 नवंबर को सूर्य अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्य जो अभी तक तुला राशि में अपने नीच राशिगत थे, वह अब वृश्चिक राशि अर्थात मंगल की राशि में पंचम स्थान में चले जाएंगे। तो वहीं 21 नवंबर को शुक्र अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं और शुक्र जो कि पंचम स्थान में स्थित थे, वह अब देवगुरु बृहस्पति शनि और केतु के साथ धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर चार ग्रहों के आपकी युति बन जाएगी। तो यह तो आपकी पूरे नवंबर माह का ग्रह गोचर व्यवस्था है। अब इस ग्रह गोचर व्यवस्था के बीच सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आपके स्वास्थ्य पर। तो ग्रह गोचर व्यवस्था के बीच स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह नवंबर का माह आपको स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ मिश्रित फलदायी रहने वाला है। जब तक शनि और केतु छठे स्थान में है, वहीं राहु नवंबर के माह में पूर्णतः द्वादश स्थान में बना रहेगा। जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति जाएंगे अर्थात छठवें स्थान में जाएंगे 5 नवंबर के बाद, तो यह उनकी मूल त्रिकोण राशि होगी, लेकिन यहाँ पर शनि और केतु भी स्थित हैं तो कुछ चांडाल योग भी यहाँ पर बनने वाला है। तो कुछ हद तक जो पेट से संबंधित दिक्कतें हैं वह आपको परेशान कर सकते हैं। सूर्य तुला राशि चतुर्थ स्थान में स्थित हैं तो यहाँ पर माता पिता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य का ख्याल आपको पूर्णतः रखना होगा और आपको भी स्किन संबंधित दिक्कतें हो सकते हैं। वहीं मौसम का बदलाव भी है तो यहाँ आपको
नवंबर का जो प्रथम 1 से 1.5 सप्ताह होगा उसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं कर्क राशि के जातकों को। वहीं बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र के स्वामी आपके लिए मंगल बनते हैं और मंगल जो कि पराक्रम के स्थान में स्थित हैं, तो यहाँ कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलने की पूर्णतः योग बने हुए हैं। उसके बाद 10 नवंबर के बाद मंगल जब अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे और मंगल तुला राशि में आ जाएंगे तो वह सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से, वैसे मंगल 8वीं दृष्टि से अभी भी आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, लेकिन 10 नवंबर के बाद वह पूर्ण सप्तम दृष्टि से दशम स्थान को देखेंगे, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा मोमेंट हो सकता है कार्य क्षेत्र को लेकर के। अर्थात मैं यह कह सकता हूँ कि कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय कमर कसने का समय आ गया है। आप जितना भी लाभ उठा सकते हैं इस समय आप उतना लाभ उठाएं। जो जातक अपनी पुरानी नौकरी से नई नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति बनी हुई है, वह कर सकते हैं और निसंकोच यह बदलाव आपको, आपके जीवन को बदल सकता है। जो जातक नौकरी के लिए परिश्रम में हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं वो जरा सी और अगर मेहनत करें तो आपकी मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप जुड़े हैं, भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित यदि आप जुड़ाव आपका है तो इन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छी प्रगति होने वाली है जब मंगल राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आएंगे और बुध और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। वहीं बात करें आपकी आय की, तो आय के स्वामी बनेंगे आपके लिए शुक्र। शुक्र 21 तारीख तक पंचम स्थान में रहेंगे तो यहाँ आपकी आय निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, लेकिन 21 तारीख के बाद जब वह छठे स्थान में जाएंगे तो उसके बाद आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहने की आवश्यकता यह है कि एक तो आपको व्यर्थ का व्यय नहीं करना है, अर्थात जिस प्रकार आपकी आय रहेगी उसी के हिसाब से आपको व्यय करना चाहिए, और दूसरा आपको किसी भी प्रकार से किसी को ऋण देने से परहेज करना चाहिए क्योंकि यहाँ आपके साथ धोखा हो सकता है, छल कपट हो सकता है, तो इस स्थिति को आपको संभालना होगा। अब बात चंद्रमा की करें तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है, यह 2 से 2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता हो देखी गई है, और जब वह क्रूर अथवा पापी ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत अशुभता आ जाती है, और इसीलिए हम सब के जीवन में चाहे आपके हों या हमारे एक माह के भीतर 6 से 8 दिवस ऐसे होते हैं जब हमें आर्थिक स्थिति से हो या स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे अंदर का आलसपन हो या घर में क्लेश का वातावरण, ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो वही तिथियां मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी वह तिथियाँ होंगी और साथ ही बताऊँगा कौन सी आपके लिए शुभ तिथियाँ होंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शुभ तिथियों की। तो 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 17 और 18 नवंबर कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी तिथियां हैं। वहीं 5, 6, 15, 16, 19, 21, 22, 26 और 27 नवंबर कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ी बहुत स्थितियां आपके पक्ष में न हो तो आपको यहां पर सावधानी पूर्वक अर्थात सतर्कता से अपने कार्य को करना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य हो। तो मित्रों यह कर्क राशि का मासिक राशिफल नवंबर 2019 था। यदि आप बृहद रूप से अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर करें।